पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट नो देख भी चुके थे और इसमें लास्ट में लिखे होंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक, तो ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बस हम लोगों को इतना ही देखना था। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप वाइज मैंने लिखा हुआ था वो अगर पॉसिबल है उसको देखते रहो, वो याद हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा हेल्प करता है तुम्हें आगे पढ़ने में, बट वो अचानक से याद नहीं होगा। देखिए हेलोजन फैमिली का सबको याद भी होगा कि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसी तरह फिर ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरन फैमिली और फिर एक इनर्ट गैस का था। नेक्स्ट पार्ट है इसमें तुम्हारा थर्ड पार्ट जो है इसका ए बी सी या जो भी इसमें नंबरिंग है उसमें ए बी सी के पैटर्न पर या वन टू थ्री जो भी है सर, ए बी सी है तो इसमें सी लिख लो, जो भी पैटर्न है उसमें दैट मीन्स डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक तो 11th में है ना? नहीं, डी ब्लॉक 12th का पार्ट है। डिटेल में जो पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पे, बस हम लोग देख रहे हैं कि डी ब्लॉक होता है क्या शॉर्ट में, बाकी डिटेल में पूरा डी ब्लॉक 12th का पार्ट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सर मतलब 12 में फिर से आएगा कि पीरियोडिक टेबल? नहीं, पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा वहां, जैसे मैंने एस और पी ब्लॉक पढ़ा, एस और पी ब्लॉक इतना ही नहीं है, तुम्हारा एस ब्लॉक का एक अलग चैप्टर ही है। पी ब्लॉक में कितना ग्रुप आया तुम्हारा? 6 ग्रुप आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो सब ग्रुप के लिए अलग अलग चैप्टर है वहां पे तुम्हारा। ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक जितना मैंने किया उतना ही है, सब अलग अलग चैप्टर ही होता है अलग अलग ग्रुप के लिए। बिल्कुल हर एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है वो। तो पीरियोडिक टेबल बस इतना जान लेना है कि किस ब्लॉक का है, कैसे डिसाइड करना है कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, बाकी इसका हर एक एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या रिएक्शन होता है, तो सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है वहाँ पे। लेकिन एस ब्लॉक तो 11th का पार्ट है, 11th में ही देख लेंगे एस ब्लॉक का। बिल्कुल सुदर्शन, नहीं पीरियड टेबल बहुत छोटा है, पीरियड टेबल बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके, आज के बाद 5-6 लेक्चर में हो जाएगा पीरियड टेबल। बट जो ब्लॉक केमिस्ट्री रहता है अलग अलग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो फिर अलग अलग पढ़ना है हमको। तो मेनली जो 11th का पार्ट है उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का 13 और 14 ग्रुप, बाकी जो सारा है उसमें 12th का पार्ट रहेगा तुम्हारा। बिल्कुल ब्लॉक वाला पार्ट भी तो लार्ज है उसमें, बट वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि आसान हो जाता है वो अपने आप हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जब एक सेक्वेंस में पढ़ते रहोगे शुरू से तो फिर चीजें आसान हो जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब शिवानंद का क्वेश्चन है इसमें कि सर दोनों ब्रांच पे सेम टीचर होंगे ना? देखते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही टीचर रहेगा, चाहे कुलकर्णी गार्डन हो चाहे नासिक रोड ब्रांच हो, वो सेम ही टीचर रहेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, वो जो भी टीचर है उसमें सेम ही टीचर है, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब हम लोगों का पार्ट है और वो सेम ही टीचर रहेंगे, तुम्हें उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ऑफलाइन 12th से स्टार्ट होगा ना, ऑफलाइन कब चालू होगा देखते हैं। सुदर्शन आयुष भी पूछ रहे सर ऑफलाइन कब चालू होगा, तो देखते हैं जब भी ऑफलाइन होगा परमिशन, ऐसे स्कूल में मैंने बताया भी था कि स्कूल्स के लिए परमिशन मिल भी गया है, अगर कोचिंग वा के लिए भी परमिशन मिल जाता है, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि 12th से तुम्हारा 12th अक्टूबर से चालू हो जाए तुम्हारा ऑफलाइन। तो ये देखते हैं सुदर्शन, देख जो भी वहां पे रहेगा, बट टीचर चेंज नहीं होगा लोगों का यहाँ पे, स्पेशली 11th में तो नहीं हो रहा है चेंज,
और 12th में भी बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं होगा। बाकी अगर एक आध इधर उधर होते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे बैचेज हैं उसको एडजस्ट भी करना रहता है वहाँ पे, बट जनरली सारे टीचर वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स उसको पहले लिख लेना। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे कि हम लोग एस और पी ब्लॉक में लिखे थे फर्स्ट पॉइंट, कि कैसे पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक का है या नहीं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, दैट मींस वो क्या हो जाता है तुम्हारा डी ब्लॉक का। इसके लिए भी एक पॉइंट उसको नोट कर लेना था यहाँ पे, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबशेल ना, बिल्कुल डी सबशेल बोल लो या फिर डी ऑर्बिटल। बेसिकली डी सबशेल में क्या हो जाता है, फाइव ऑर्बिटल्स आ जाता है तुम्हारा, उसको भी ऑर्बिटल भी कभी कभी बोल जाता है डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में फाइव ऑर्बिटल्स हो जाता है वहां पे तुम्हारा, या सबसे बोल लो उसको जो बोलना चाहो। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू, कैपिटल कर लो इसको, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक मिनट वेट करो, इसमें कुछ राइटिंग इरर आ रहा है। या सुन करके लिख सकते हो इसमें तुम लोग, चलो ठीक है ट्राई करो। इसमें एक लाइन का है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू, इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ, इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टी मेट सेल, डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, दैट इज सर आप लिख रहे हो क्या? नहीं मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, उस राइटिंग एरर आ रहा था उसमें, चलो मैं लिख भी देता हूँ इसमें। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल बोलने का मीनिंग क्या है, सेकेंड लास्ट सेल बिल्कुल, इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल दैट इज n-1 डी सबसेल ऑर्बिटल। तो n का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट तुम्हारा सेल आ रहा है लास्ट ऑर्बिट, और n-1 बोलने का मतलब क्या है, सेकेंड लास्ट, इसी को मैंने दैट इज करके लिखा हुआ है। तो डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल दैट इज n-d ऑर्बिटल, इसमें dh लगा दो, n-dh ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में जा रहा है सिंपल सा, और वो पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में जाता है, दैट उसको लोग क्या बोल पाते हैं वहां पे है डी ब्लॉक का एलिमेंट, देन दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर एड करना यहाँ पे है, देन दैट एलिमेंट्स आर आउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो पॉइंट लिखने के लिए आ रहा है, बट चलेगा कि पेनल्टीमेट में जा रहा है, देखते हैं वो पता चले। हम लोग कंफिगरेशन जब लिखोगे तो फिर पता चलेगा वहां पे, जैसे कि हम लोग क्रोमियम की बात, एक नॉर्म इसको लिखना नहीं है यहाँ पे, बस एज एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें क्या रहता है तुम्हारा आर्गन, कंफिगरेशन क्या होता है क्रोमियम का, आर्गन 3d5 4s1 3d5 4, बाकी इलेक्ट्रॉन पता है कि पहले किस में जाता है 4s में देन 3d में। एक सिक्वेंस लिखने के लिए मैंने 3D को पहले लिखा है,
यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो तुम्हारा कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट तुम्हारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट आ गया फोर्थ ऑर्बिट, तो पेनल्टीमेट ऑर्बिट कौन सा होगा? थर्ड। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ, तो पेनल्टीमेट ऑर्बिट जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट होगा वो क्या रहेगा? थर्ड। तो इसी को जब इसको अगर एन बोलोगे तो थर्ड का मतलब क्या, यहाँ पे एन माइनस वन, तो एन माइनस वन डी में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डेट मीन्स ये डी ब्लॉक, तो थ्री डी में जा रहा है, डेट मीन्स ये क्या है? पेनल्टीमेट स्टेट। क्लियर है यहाँ पे आप? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन n माइनस वन क्यों? सिंपल सा, यहाँ पे n का वैल्यू फोर है, यहाँ पे फोर माइनस वन कर दो दिए थ्री आ जाएगा। n मान लो कि यहाँ पे n जब भी लिखा रहे तो n क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। n माइनस वन लिखा रहे दैट मीन्स पेनल्टीमेट ऑर्बिट, n माइनस टू कहीं लिखा रहे दैट मीन्स एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? n माइनस वन डी। स्क्रीन पे किन्हीं को कुछ नहीं लिखना है, बाकी वो तो लिख भी ना पाओ, बाकी वो खुद से लिखना है कि स्क्रीन पे ट्राई नहीं करना है कुछ लिखने का यहाँ पे, बाकी वो एलाव भी नहीं है इस टाइप से। हाँ दीप्ति बताओ इसमें क्या डाउट है तुम्हें, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? यहाँ पे जो देखना है कि डी ब्लॉक की हम चीजें पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे, कि अब कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आ रहा है तब तो फिर नहीं समझ में आएगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के चक्कर में। हाँ बताओ सर, एक स्टूडेंट है ना वो किसी के भी नाम से ज्वाइन हो जाता है और कुछ भी करता है, उसमें टाइम चला जाता है, इसमें टाइम चला जाता है। यस सर, एक मिनट, पिछले क्लास में भी वो गया था, एक मिनट में उसका भी पिछली क्लास में आयुष गोयल का नाम लिया था उसने सर, अब किस नाम से ज्वाइन हुआ है देखता मैं अभी, यहाँ पे लीव हो गया सर वो। एक मिनट वेट करो इसमें यहाँ पे, तो ठीक है बाकी सब अपने रोल नंबर के साथ कनेक्ट हो यहाँ पे है, और ऐसा कोई डिफिकल्टी आता तो मैं उसमें देखता हूँ, वो तो आप काफी आसानी से वो, तो ठीक है सर लिफ्ट कर गए यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे ये क्या होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो इसमें एन माइनस वन में जा रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, एन माइनस वन वाले में इसका जो रहेगा एन माइनस वन डी, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है? टेन मैक्सिमम, वन टू टेन, एन एस वन टू टू, एन में एन का जो लास्ट ऑर्बिट का जो एस सबसे लो होगा उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन, बट इसका एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्ट पैलेडियम, ये क्या एक्सेप्ट पैलेडियम, और पैलेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा क्रिप्टन, ये एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है यहाँ पे क्रिप्टन, फोर डी टेन फाइव एस जीरो, प्लेडियम जो कि 46 एटॉमिक नंबर का है इसका एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एस में भी एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है जनरली जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो प्लेडियम एक ऐसा एलिमेंट्स है डी ब्लॉक का जिसमें कि एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है 5s में, जबकि यहाँ पे और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पे वो डी में शिफ्ट हो जाता है 4d में,
ये 4d10 5s0, ये पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पैलेडियम के अलावा जितना भी एलिमेंट है हम बताओ फिर सर 5s को लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं उसको जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे इसलिए दिखा दिया जाता है कि जो 5s का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट कर जाता है 4d में, क्योंकि ये फुलफिल होना चाहता है, 5s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। मैंने 0 इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे या तो 1 होता है या 2 होता है, एक यही केस है जिसमें कि 0 आ जाता है पैलेडियम, इसको एक अलग से याद रखना। हाँ बताओ सर, क्रिप्टॉन भी 4d10 5s1 होता है ना? किसका? क्रिप्टॉन का? हाँ सर। क्रिप्टॉन तो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है तो उसका क्या हो जाएगा तुम्हारा 3d10 आर्गन 3d10 4s2 4p6, तो क्रिप्टॉन तो इनर्ट गैस है उसका, देखो अलग से रहता है वो। और इसी के लिए मैंने भेज रखा है तुम लोगों को ग्रुप पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। नहीं सॉरी सर, क्रिप्टॉन नहीं, नहीं सर ठीक है, कोई नहीं ठीक है, मतलब जो भी डॉट है पहले इसमें सोच लो, बाकी एक एक्सेप्शन यही रहता है इसमें यहाँ पे है। ये तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है n-1। हाँ बताओ सर, अगर s लास्ट में आ रहा है तो फिर वो s ब्लॉक का नहीं होगा? नहीं दिखा, मैंने यहाँ पे बताया था कि दिखाने में लिख रहे हैं कि लास्ट में s दिखा, बट एक्चुअल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो d में इंटर कर रहा होता है, और 5s का एनर्जी लोअर है, इलेक्ट्रॉन पहले 5s में जाएगा देन 4d में जाता है। यस सर। ब्रैकेट वाला इसमें यहाँ पे, तो ब्रैकेट वाला का ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। पैलेडियम का जो एलिमेंट्स है, जो पैलेडियम आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ, जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, बस ये इसका मीनिंग सर। हाँ बताओ, अभी क्या डिस्कस हुआ है एक बार वो बताएंगे क्या, या लाइट डिस्कनेक्ट हो गया? इसमें कोई डिस्कस नहीं हुआ, बस इसमें मैंने ये बताया कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और उसका एक एक्सेप्शन है जो कि पैलेडियम है, जिसका कि कॉन्फ़िगरेशन ns में आउटर मोस्ट जो s सबसेल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो उसमें 0 आ जाता है ns1 to 2, और पैलेडियम के केस में ये डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में अलग से लिख रखा है यहाँ पे। थैंक यू सर। ठीक है, एस के ऊपर क्या बिल्कुल ये 0 है, दैट मीन्स का मतलब 5s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 5s। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यहाँ पे है, इसमें जो ग्रुप रहता है ग्रुप 3 to ग्रुप 12, ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12 आर ऑफ, तो ठीक है प्रॉपर अब आ रहा होगा इसमें आर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब जब पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें तो ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12 वो क्या होता है तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो कि मिडिल में रहता है तुम्हारा, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या रहता है एस ब्लॉक, राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक, और बीच में तुम्हारा क्या आता है डी ब्लॉक, जो कि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 2 तक, सॉरी ग्रुप नंबर 12 तक रहेगा। बॉटम है और बॉटम में एफ ब्लॉक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और किस नाम से जानते हैं, कुछ याद हो किसी को? ट्रांजिशन मेटल, बिल्कुल सही है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड HG, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम और HG। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये ट्रांजिट करता, मतलब ये रहेगा यहाँ पे डी ब्लॉक, इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका जो प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच का रहता है यहाँ पे है, मिडिल में आ रहा है, क्या बोला जा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट।
एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एच जी, इसको क्यों नहीं बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका रीजन यहाँ पे है। बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशल ब्रैकेट में रख लो यहां पे एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एच जी बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जिंक और कैडमियम और एच जी का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या रहता है तुम्हारा फुलफिल्ड की तरह रहेगा वहां पे, देख लो कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे सबका नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो रीजन सिंपल सा है कि जिंक कैडमियम एच जी ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट अगर प्रीव्यू टेबल सामने है जो कि तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है तो वहां पे देख सकते हो कि ग्रुप नंबर 12 में आता है तुम्हारा जिंक कैडमियम एच जी और उसका जब कन्फिगरेशन लिखो सबका फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है जिसके चलते इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता यहाँ पे। और जिंक कैडमियम एच जी के अलावा जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसको बोलते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, सब देख सकते हो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। तो ठीक है इसमें हम लोगों को बस इतना ही देखना है यहाँ पे इस केस में। अब देखते हैं एक पॉइंट और भी समझने के लिए कि 2D पॉसिबल है या नहीं है, यस या नो, 2D नो सर, 2D पॉसिबल नहीं है। सेकंड सेल में D ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो D कहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा 3D से, 3D 4D 5D इसमें जो सीरीज है यहाँ पे मेनली जो तुम्हारा प्रीव्यू टेबल है उसमें 3D सीरीज होता है, 4D सीरीज होता है और 5D सीरीज होता है। बट वो जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे डिटेल में आएगा, अभी उसका लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है, वो जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो सीरीज स्टार्ट होता है डी ब्लॉक का वो 3D सीरीज होगा, फिर 4D सीरीज और 5D सीरीज। और 3D सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहेगा तुम्हारा, एक डी में 10 एलिमेंट, 10 उसमें भी 10 एलिमेंट, फिर 5D में भी क्या रहेगा 10 एलिमेंट, क्योंकि एक डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 10 रहता है वहां पर। अब तुम्हें ये मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि 1D 2D होता या नहीं होता, तो तुम्हें क्वांटम नंबर से पता होना चाहिए, ये पार्ट क्वांटम नंबर का है कि 2D कैसे नहीं होता है, तो क्वांटम नंबर जाके देखो कि 2 का मतलब क्या, n का वैल्यू और n का वैल्यू 2, l का वैल्यू क्या रहा था तुम्हारा 0 1, दैट मीन सिर्फ s और 0 1 0 1 0 1, l का वैल्यू कहाँ होता है 0 2 n-1, ये सब क्वांटम नंबर का पार्ट है, उससे हम ये चीजें पता कर पा रहे हैं कि 2D नहीं होता है, 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा, 6D होगा, ये सब हो पाता है। तो ठीक है इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट है इसमें एफ ब्लॉक, डन सर, डन सर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कर ले कॉपी कर ले सुदर्शन इसको, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें डी में, डेट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें भी फर्स्ट पॉइंट वही है कि कैसे एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट को कैसे पता करें वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है,
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जा रहा हो, एफ सबशेल में जा रहा हो, दैट मींस वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट तो सेम है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू इंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल ऑफ एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट एन माइनस टू, बिल्कुल क्या होगा, एंटी पेनल्टीमेट बोलने का मतलब क्या, एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल ऑफ थर्ड लास्ट सेकेंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट बोल सकते हो उसमें, आउटर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस टाइप से एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, दैट इज एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल्स या सबसेल, एफ सबसेल दैट मीन्स एन माइनस टू एफ सबसेल में जा रहा हो, देन दैट एलिमेंट्स आर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दोनों डिफिनेशन लिखने के लिए लिख रहे हैं, बट सिंपली क्या याद रखना है तुम्हें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में जा रहा है दैट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट डी में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स डी ब्लॉक, इस टाइप से याद रखना है तुम्हें। अब इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल इसी लिख लो यहाँ पे शॉर्ट में, ये क्या था तुम्हारा, इसमें एन माइनस टू एफ और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है बताओ सब लोग, 14 क्या रहेगा एफ में, 1 to 14 बिल्कुल करेक्ट है, या तो 1 रह सकता है 2, 3, 4 अप टू 14, एन माइनस टू एफ 1 to 14, एन माइनस 1d 0 to 1 और एन एस टू, NH2 N minus 1d 0 to 1 स्टेप से। सर NS का 1 से 2 होगा ना? नहीं, NS में क्या रहता है, हमेशा 2 ही रहेगा वहां पे, इसी के लिए देखोगे तो क्या रहता है उसमें 2 NS2, जो भी तुम्हारा F block का जो भी एलिमेंट्स है, अब तुम्हें मैं एक PDF भी शेयर कर रखा हूँ, जो भी F block का एलिमेंट्स है पीरियड टेबल से देखोगे उसमें क्या रहेगा तुम्हारा 2 NH2 N minus 1d 0 to 1, तो मेनली एफ में ध्यान देना है, एफ में क्या जाएगा 1 to 14, 0 to 1 कैसे है, ये सबका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, जितना भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें डी में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, जितना भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो एन माइनस 1 डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखना कि इसमें 3f तो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, तो ये क्या होता है जब यहाँ पे n माइनस टू मिनिमम क्या आएगा यहाँ पे है, n का वैल्यू 6 होना चाहिए, n माइनस 1 आ गया दैट मीन्स ये 5 हो गया और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, ये 3f नहीं होता, मिनिमम क्या हो तुम्हारा 4f, तो जब 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो 5d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस टाइप से दैट मीन्स ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस टाइप से आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 नहीं, ग्रुप नंबर ऑफ ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस लिख सकते हो पेज पर कर देखो भी एक बार, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर क्या था, 3 3। इसमें कुछ रेडलिस्ट के लिए तो निकालने की भी जरूरत नहीं था, तो डायरेक्टली याद रखना था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर, जो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है सबका ग्रुप नंबर 3। हां सर गलती से 13 बोल दिया, 3 चलो ठीक है, तो क्या रहेगा तुम्हारा उसमें 3। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
दे आर मेटल्स, इसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा वो क्या रहेगा इसमें मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स, स्टफ लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एह ब्लॉक एलिमेंट्स को और किस नेम से जानते हैं, एनीवन? लैंथसाइड और एंथसाइड? नहीं वो तो हम लोग देखेंगे अलग से, नहीं वो अलग से देखेंगे। एह ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए डी ब्लॉक को क्या बोलते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट। चित्र एह ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एह ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ब्लॉक एलिमेंट्स। Also known as inner transition element. Inner transition element. ये काफी important point है यहाँ पे है कि D block elements को क्या बोला जाता है, transition element, except zinc, cadmium, Hg. और जितना भी F block का elements होगा, F block elements split कर लेते हैं, is known as inner transition element. मतलब क्वेश्चन में एफ ब्लॉक की जगह ये वर्ड आ सकते हैं। बिल्कुल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा उसी को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आप क्या पूछ रहे बताओ, तो ठीक है यहाँ पे है। अब इसमें जो रहता है तुम्हारा दो सीरीज होता है, फोर एफ सीरीज देखते हैं आगे और फाइव एफ सीरीज। नहीं इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है शेखर, यहाँ पे है इसमें जितना भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलो एक दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके, इसमें वो नीचे कंटिन्यू करोगे इसमें। अब जो इसमें सीरीज होता है दो सीरीज रहता है, फोर एफ सीरीज, क्योंकि थ्री एफ तो होगा नहीं, फोर एफ से स्टार्ट होता है फोर एफ सीरीज। या फोर एफ सीरीज को ही और किस नाम से जानते हम लोग यहाँ पे है, लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज SERIES लेंथेनाइड सीरीज। और जो फोर एफ सीरीज होता है तुम्हारा स्टार्ट होता है इसमें, वो कहाँ से स्टार्ट होता है इसमें, फोर एफ सीरीज जो रहेगा नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सर, वो लास्ट में आर आई डी है ना? नहीं एन ओ आई डी, ठीक है तुम्हारा लेंथेनोइड, लेंथ एल एन टी एच ई एन ओ आई डी नोइड, लेंथेनोइड सीरीज। कई जगह स्टार्ट से भी कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज, एन आई डी लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड जो भी इसमें लिखो, तो लेंथेनाइड सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज। अब इसमें जो एलिमेंट्स होता है फोर एफ सीरीज में, इसका जो स्टार्टिंग होता है वो सेरियम, जिसका केटोमिक नंबर 58 से लेकर के ल्यूटेटियम, एल यू ल्यूटेटियम 71। तो टोटल एलिमेंट्स कितना आ गया यहाँ पे है, काउंटिंग करो इसमें 58 टू 71 टोटल एलिमेंट आ रहा हो। नहीं टोटल एलिमेंट्स कितना आ रहा है इसके बीच में, एटॉमिक नंबर 58 से 71 सही है, इसमें 14 एलिमेंट्स आ रहा है। अब यहाँ पे देखना कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेरियम से। देखो क्लियर है यहाँ पे, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेरियम से। इसको लेंथेनाइड सीरीज क्यों बोल रहे हैं, मुझे सीरीज को, क्योंकि सेरियम जो स्टार्ट होता है इससे पहले का एलिमेंट्स क्या होता है, सेरियम से पहले 57 एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट, लैंथेनाइड। देखो तुम लोग पीरियड टेबल सामने रखो, जो बना हुआ है बुकलेट में पीरियड टेबल, वहां से देख भी सकते हो कि जो 57 एटॉमिक नंबर का है वो कौन सा एलिमेंट है, लैंथेनाइड, लैंथेनम, लैंथेनम। और लैंथेनम एलिमेंट्स के बाद ये सीरीज स्टार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड सीरीज या लैंथेनाइड सीरीज। ये चीजें क्लियर है सबको, एक मिनट
फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो फोरेब सीरीज होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ नाइट सीरीज। और फोरेब सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है, तो सेरियम 58 एटॉमिक नंबर से ल्यूटेटियम 71 एटॉमिक नंबर तक का एलिमेंट। और इसमें थोड़े एलिमेंट्स आ गया, इस सीरीज को हम लोग लेंथेनाइड सीरीज में बोलते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट होता है एलिमेंट्स लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है, और लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है इसको क्या बोले हम लोग, लेंथेनाइड सीरीज। क्लियर है सबको रीजन, ये लेंथेनाइड सीरीज में बोला जाता है इसको। तो ठीक है, एलयू क्या, ल्यूटेटियम, एलयू का जो एलिमेंट्स है उसका ये सिंबल है वो क्या होता है वहां पे ल्यूटेटियम। अब इसके अलावा यहाँ पे 5F सीरीज भी होता है यहाँ पे, और जो 5F सीरीज आ रहा है यहाँ पे है उसी को बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनियम से स्टार्ट होता है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनॉइड जो भी उसमें लिखो। अब इसमें जो एलिमेंट्स होता है यहाँ पे तुम्हारा, इसमें भी 5F सीरीज में जो एलिमेंट्स होता है इसमें जो एलिमेंट्स रहेगा तुम्हारा थोरियम से होता है स्टार्ट, और थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, और ये LR लॉरेंसियम तक जाता है 103। तो 5F सीरीज में जो एलिमेंट्स होता है तुम्हारा थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, इसको एक्टिनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोरियम से जस्ट पहले जो एटॉमिक नंबर होता है 89, तो 89 तुम्हारा होता है एक्टिनियम का एसी। देखो प्रीवियस टेबल देखो तुम लोग वहां पे 89 जो एलिमेंट्स है वो किसका है, एक्टिनियम। तो एक्टिनियम एलिमेंट्स के बाद स्टार्ट होता है ये 5F सीरीज, इसको क्या बोलते हैं लोग यहाँ पे, एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पे लेंथेनम के बाद से हो रहा था स्टार्ट 4F सीरीज, दैट मींस लेंथेनाइड सीरीज, और यहाँ पे एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट हो रहा है थोरियम, मतलब ये 5F सीरीज, दैट मींस को एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है। बताओ इसमें कोई डाउट हो कि नहीं को? नो सर। अब इसमें शिवानंद पूछ रहे हो सर पीरियड टेबल आपने याद कर लिया क्या, मेरा तो काम ही यही है, पिछले 7 सालों से मेरा काम ही यही है, मुझे तो याद हो गया है, बाकी तुम लोगों को इसमें जो लिमिटेड है वो लिमिटेड चीजें याद रखना यहाँ पे, क्योंकि अचानक से पूरा पीरियड टेबल एक साथ याद नहीं होता है। ये सीरियम आ रहा है यहाँ पे, ये 4F सीरीज 5F सीरीज दो सीरीज में रहता है, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोला जा रहा है और इसको लेंथेनाइड सीरीज। एक मिनट वेट करो इसमें। तो ठीक है हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें यहाँ पे। अब इसमें नचिकेत पूछ रहे हो सर इसमें ऐसा हम मुझे भी याद नहीं, बट जितना एटॉमिक नंबर ऐसा नहीं कि मुझे 118 तक एलिमेंट सबका याद ही है, ऐसा भी नहीं है, बट धीरे धीरे चीजें याद हो जाता है यहाँ पे। एक इसमें सनिका भी पूछ रहे हो इसमें सर हमको एयर ब्लॉक याद करना है पूरे 2 ईयर्स में नहीं, इसमें देखो जब एयर ब्लॉक एलिमेंट डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे तो फिर दो ही सीरीज है तो चीजें याद हो जाता है यहाँ पे, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे बस ये याद रखना है इसको लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज किस बेसिस पे बोलते हैं, तो बस यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे उसको याद रखना था यहाँ पे सिर्फ। तो ठीक है आगे देखते हैं हम इसमें यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। ये आ रहा था एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स को शॉर्ट में हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें नोमेनक्लेचर,
कॉपी तो कर लिया था यहाँ तक सब लोग, हाँ बताओ। चलो कॉपी कर लो इसको। तो एस ब्लॉक में दो सीरीज होता है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F सीरीज को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज, और 5F सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज। ऐसा नहीं है, देखिए सुदर्शन बोल रहे सर केमिस्ट्री आपको तो केमिस्ट्री बहुत आता है, केमिस्ट्री ऐसा नहीं जितना लोग पढ़ते हैं, बट हाँ जितना 11th 12th का सिलेबस है, जितना एडवांस में तुम्हें टॉप करने के लिए चाहिए उतना हमें याद है, उतना तुम केमिस्ट्री कर सकते हो। बट ऐसा नहीं केमिस्ट्री मुझे पूरा ही केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि पूरा मेडिकल फील्ड में पूरा केमिस्ट्री है, कोई भी मेडिसिन देखो तो उसमें केमिस्ट्री का कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होता है। पर ठीक है, उतना करने की जरूरत भी नहीं है, जितना बस अपने सिलेबस में पढ़ना है उतना बस आना चाहिए तुम लोगों को भी, और दो साल पढ़ोगे तो तुम्हें भी उतना या आ जाएगा चीज। तो ठीक है आगे बढ़ता हम लोग फिर इसमें। अभी पूरा ऑर्गेनिक तो चीजें देखते हैं, अभी 11th में भी क्या ऑर्गेनिक है, मेनली जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो 12th में आता है, वो तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट है इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर एबव 100, विथ एटॉमिक नंबर एबव 100। अगर 100 से नहीं, इसमें नोमेनक्लेचर ने बहुत शॉर्ट में देख लोगे बस, यहाँ पे 5 मिनट्स में नोमेनक्लेचर हो जाएगा। विथ एटॉमिक नंबर एबव 100, किसी एटॉमिक कोई भी एटॉमिक नंबर है अगर वो 100 से एबव एटॉमिक नंबर है तो उस एलिमेंट्स का नेम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, उसको जनरलाइज भी कर दिया गया वहां पे। बस 2 मिनट देख लो, इसलिए कुछ टेबल उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इसलिए टेबल यहाँ पे ये है कि डिजिट, बस 2 मिनट वेट करो, इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे इसको, उसका नेम क्या होगा और उसका एब्रीविएशन क्या रहता है वहां पर। सर कितने ब्लॉक डाउन करने हैं ड्रॉ? बस 2 ही है इसमें, देख लो यहाँ पर बस इतना ही है। अब देखो अगर डिजिट क्या हो 0 के लिए, तो 0 पे जो नेम आता है, और ये क्या है एब्रीविएशन, लास्ट जो कॉलम आ रहा 0 का जो नेम आता है यहाँ पे उसको बोलते हैं नील, और इसका जो एब्रीविएशन होता है या सिंबल जो यूज होगा यहाँ पे है, देखते सिंबल तो अलग आ जाएगा वहां पे, ये क्या होगा एब्रीविएशन टर्म यूज करो। 0 के लिए क्या लिखते हैं नील, और इसका सिंबल क्या होता है एन, इसका जो फर्स्ट लेटर आ रहा है यहाँ पे एन। 1 अगर आ रहा है यहाँ पे तो उसको बोलते हैं UN, और ये क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पे है U। फ्रेंच में नंबर है बिल्कुल, ये क्या रहा है नील अन। 2 के लिए जो रहता है तुम्हारा इसमें पाई, इसका जो आ रहा है यहाँ पे B एब्रीविएशन। 3 इसलिए क्या रहता है यहाँ पे ट्राई, ये क्या आ जाएगा T। 4 के लिए क्वाड QUAD, और इसका भी क्या रहेगा यहाँ पे Q। 5 के लिए पेंट, और इसके क्या रहेगा इसमें एब्रीविएशन P। 6 के लिए X, ये क्या रहेगा तुम्हारा H। 7 के लिए SEP, SEPT SEP, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे S। 8 के लिए ऑफ, वो आ जाएगा, और 9 के लिए ई डबल एन इन,
और इसका सिंबल करेगा ई। इसको कॉपी कर लो यहाँ पे एजिटीज, उसको समझते हैं कि यूज कैसे करेंगे। और लास्ट में एक यहाँ पे नोट कर लोगे आई यू एम इज एडेड एट द एंड, आई यू एम इज एडेड एट द एंड। इसको कॉपी कर लो, एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे लाइक 101 एलिमेंट्स या कुछ भी ले लो यहाँ पे 101 ले लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख रहा है यहाँ पे 101, 102 ये भी एटॉमिक नंबर आ रहा है, 103 एटॉमिक नंबर, 108 आ रहा, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे 118। अब यहाँ पे देखना कि जो 101 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है उसका नेम क्या होगा। इसका जो नेम रहता है वन के लिए क्या होता है यहाँ पे अन, जीरो के लिए क्या रहता है नील, नील, और फिर वन आ रहा दैट मींस फिर से अन, और लास्ट में क्या ऐड करना था आई यू एम। तो 101 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स का जो नेम आएगा अन नील अन ईएम। तो लास्ट में जो लिखा जा रहा है आई यू एम इज एडेड एट द एंड, वही ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। इस कंपाउंड्स का जो एटॉमिक सॉरी इस एलिमेंट्स का 101 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट्स है उसका नेम क्या आ जाएगा अन नील अन ईएम, और इसका सिंबल क्या होगा कैपिटल फर्स्ट क्या आएगा कैपिटल में यू एन यू। अब जैसे इसको कंपेयर करो देखिए सोडियम, तो सोडियम का तो ये नेम आ गया कि सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा 11, और इसका सिंबल क्या होता है इसका Na। उसी तरीके से 100 से एवब जो भी एटॉमिक नंबर है उसका जो एलिमेंट्स होगा उसको जनरलाइज नेम भी दिया गया है अन नील अन ईएम, ये नेम आ गया और ये उसका सिंबल आ गया। अब देखो वहां पे एक इसमें सनी का पूछ रहे सर इसमें कुछ स्पेशल नेम भी दिया गया 101 का, तो मैं भी बताया था अभी जैसे पीछे 103 का, 103 का मैंने क्या बताया हुआ था देखो पीरियड टेबल में, वो क्या मैंने बताया था लॉरेंसियम एल आर, उसका स्पेशल नेम भी है बट 100 से ऊपर जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, और जो स्पेशल नेम है वो तो है ही, वो भी नेम रहेगा, और एक इसका जो नेम आ रहा है अनिल अनियम ये भी रहेगा यहाँ पे। 102 का इसी पैटर्न पे नेम क्या आएगा अन अनिल भाई भाई अनिल 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 बीएम अनिल बायम जो भी रीड करो, तो ये क्या आ जाएगा सिंबल क्या आ जाएगा इसका यू एन बी फर्स्ट कैपिटल में, ये किसका भी फर्स्ट क्या लिखते हैं कैपिटल में एन ए। अब देखो यहाँ पे वहाँ पर तो डबल आई आना चाहिए ना, लिख लो डबल आई यहाँ पे है ऐसा कुछ इसमें पॉइंट नहीं है, बट वो क्या होगा अनिल बाई एम यू एन बी। अब देखो देखो यहाँ पे अगर लिखा जाए सी ओ और ये सी ओ स्टच लिखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं फर्स्ट बोलूं और इसको सेकंड, और एक कोबाल्ट है एक कोबाल्ट है और एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO2 रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO को क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है रीजन सबका। एक कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में होती है कोबाल्ट है, और ये तुम्हारा क्या आ गया दोनों कैपिटल में, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको बेसिकली क्लियरली लिखो यहाँ पे, ये बेसिक चीज तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे। अगर CO इस टाइप से लिखा जा रहा था ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ओ को स्मॉल में लिखा जाए यहाँ पर ये कोबाल्ट आ जाता है तुम्हारा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं कि फर्स्ट जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे उसको कैपिटल में बाकी सब स्मॉल में। 103 एलिमेंट्स का नेम क्या होगा अनिल ट्रायम, अनिल ट्रायम, और इसका सिंबल UNT।
बाकी सबका लिख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न पता चल गया कि कैसे लिखना है। 108 का क्या आ जाएगा? अनिल ऑक्टियम। अनिल ऑक्टियम अनिल ऑक्टियम या ऑक्टियम जो रीड करो यहाँ पे, ऑक्टियम या IUM, ये क्या आएगा सिंबल? UNO 118 का क्या आ जाएगा? अन ऑक्टियम। दो वन आ रहा है, टू टाइम्स वन आ रहा है, दैट मीन्स टू टाइम्स अन लिखते हैं यहाँ पे अन ऑक्टियम, और इसका सिंबल क्या आ जाएगा? UU। आई थिंक अब क्लियर है सब लोगों को कि 108 नंबर से अगर एबव है उसका जनरल नेम भी होता है, बाकी जैसे 103 का एक ये नेम भी है, बाकी से एलिमेंट्स का एक नेम और भी है लॉरेंसियम, जो कि जनरली साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे दे दिया जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है उसमें हर एक कंट्री वाले लोग लड़ाई करने लगते हैं कि हम अपने कंट्री के नेम के बेसिस पे रखेंगे उस एलिमेंट्स का नेम, या साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे रखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जनरलाइज कर दिया गया उसको कि 100 एटॉमिक नंबर से जिसका भी ज़्यादा एलिमेंट्स है उसको लोग इस नाम से भी जानते हैं, बाकी जो पहले से दे दिया गया है उसको भी उस नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रांस से लिया ना, अब जहाँ से जो हो यहाँ पे है, अब ये एक रूल बना दिया गया IUPAC नोमेनक्लेचर, एक रूल बना दिया गया है, बाकी ये जो आ रहा है तुम्हारा स्पेशल नेम LR लॉरेंसियम, तो अलग अलग कंट्री के नेम से दिया जाता है, अपने को वो नहीं देखना कि किस कंट्री के बेसिस पे एलिमेंट्स का नेम दिया गया वहाँ पर। तो ठीक है, इसमें एक छोटा टॉपिक था, इसमें बस इतना ही देखना था, नेक्स्ट टॉपिक एक और छोटा सा ही है, आज फिनिश हो जाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप। वॉइस आ रहा है प्रॉपर सबको अभी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, मुझे स्टार्ट करते हैं, कुछ नेटवर्क किरर आ गया था वहां पे बीच में। तो नेक्स्ट है इसमें डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें पीछे का पेज हट चुका है इसमें सुदर्शन, वो रिकॉर्डिंग देख करके एक दो लाइन मिसिंग है, तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट होने के चलते रिकॉर्डिंग में वो कंटिन्यू रहेगा, बट इसमें डिस्कनेक्ट होने के वो पेज हट चुका है यहाँ पे, क्योंकि वो फेस फेस से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार जो भी एक दो मिनट का छुटा हुआ है तो नोट कर लोगे वहां से। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ शिवानंद, कुछ डाउट है बताओ? नहीं सर, गलती से। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप अब इसमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसका मीनिंग देखना है यहाँ पे। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिथियम हो, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है वो स्टार्टिंग में सीख चुके हैं, ये सब तुम्हारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आ रहा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? लिख नहीं रहा है तुम्हें? जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे जो डायगोनल रिलेशनशिप है मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, बस यहाँ पे नोट करो, हम लोग देखते हैं क्या होता है। जो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन है वो तुम्हारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का तो तुम बता सकते हो, बट वो प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो वो चीजें याद भी हो जाता है। और कुछ एलिमेंट जो थर्ड पीरियड का होता है इसमें,
थर्ड पीरियड एलिमेंट वो रहता है इसमें तुम्हारा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सर अभी भी लेट दिख रहा है सर लैग हो रहा है दिख रहा नहीं मतलब लेट दिख रहा है मतलब जो लिख रहा हूँ बहुत लेट से दिख रहा है वो हाँ यस सर आप बोलते रहते हो पर दिख रहा नहीं ओके मतलब मिसमैच हो रहा है अभी आया सर वो यस सर अभी दिखा अभी दिखा इसमें सर आप एक बार लिख लीजिए फिर बोलिए चलो ठीक है देखते हैं ऐसा कभी आता नहीं है कि नया एरर आ रहा है देखते हैं यहाँ पे तो एक मिनट वेट करो इसमें मैं कुछ दोबारा से शेयर करता हूँ इसको मैं तो ठीक है देखते हैं आगे यहाँ पे हम लोग ये क्या रहा था तुम्हारा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स अब इसमें कुछ टेंथ में पढ़े हो गए कि किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है डिक्रीज वो क्या होता है डिक्रीज करता है और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज बेसिक आइडिया तो कुछ है इसमें बाकी लोग पढ़ेंगे आगे बट इसमें किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में वो इंक्रीज करता है जबकि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है स्क्रीन दिख रही नहीं है सर स्क्रीन विजिबल नहीं है एक मिनट स्क्रीन पे आ रहा है कि आप शेयर किए पर दिख रही नहीं है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सर और वहां पर आ रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग ओके एक मिनट वेट करो यस सर हुआ अब दिख रहा है यस सर तो ठीक है इसमें आ रहा था यहाँ पे सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज करता है पीरियड में और टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में तो साइज क्या होता है इसमें इंक्रीज करता है अब इसी प्रॉपर्टीज में अगर देखोगे तो जो डायगोनली जाते हैं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये क्या करता है इसमें इंक्रीज तो अगर डायगोनली जाएंगे तो जो वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है वहां पे तो यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो एक जैसे रहता है जैसे कि साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म सुने होगा सब लोग नेम तो सुने कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस सर तो ठीक है बाकी डिटेल हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसका जो साइज होता है यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है यहाँ पे और बेरिलियम का कुछ प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मैच करता है और बोरन का कुछ प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करता है यहाँ पे इसका रीजन देखते हैं अभी हम लोग तो ये जो तीन एलिमेंट्स है तुम्हारा लिथियम का प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच कर रहा है डायगोनली बेरिलियम का प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के साथ और बोरन का प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ तो यही एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है अब क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि लिथियम किसके साथ किस एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में रहेगा मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम किसके साथ शो करेगा डायगोनल रिलेशनशिप एल्युमिनियम के साथ और बोरन सिलिकॉन के साथ तो प्रीवियस टेबल अगर देख पा रहे हो हाँ बताओ सर तीन ही पेयर है हाँ बिल्कुल ये तीन ही पेयर आता है यहाँ पे यही तुम्हारा तीन ही पेयर डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है यहाँ पे जो मैंने सर्कल कर भी दिया यहाँ पे तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ और बोरन सिलिकॉन के साथ अब इसका रीजन भी लेना है यहाँ पे नीचे डायगोनल रिलेशनशिप अराइज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप अराइज़ ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट अब तो प्रॉपर आ रहा है इसमें राइटिंग और जो वॉइस का कोऑर्डिनेशन वो प्रॉपर आ रहा है अब सर भी लेट दिख रहा है सर सर यस सर लेट ही दिख रहा है तो ठीक है देख लेते हैं हम लोग फिर उसको सिमिलर साइज ऑफ एटम्स
और आयन फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें देखिए लिथियम मैग्नीशियम एक डेटा भी मैं बताऊं यहाँ पे, तो सिमिलर साइज ऑफ एटम्स और आयन। इसमें जो लिथियम का जो साइज होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है यहाँ पे, वो आ जाता है तुम्हारा 1.23 एंगस्ट्रम, 1.23 एंगस्ट्रम। और जो मैग्नीशियम का साइज होता है इसमें 1.36 एंगस्ट्रम। व्हाइल जब ये आयंस के फॉर्म में आ जाता है तो लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, पढ़ चुके होंगे सब लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लिथियम का +1 और मैग्नीशियम का +2, मैग्नीशियम का +2। सर पर ये उनके कंपाउंड में होगा ना? बिल्कुल कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, बट अगर मान लो कि लिथियम मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर कर दोगे, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उस पर चार्ज क्या आएगा +1, और मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर जाए दो इलेक्ट्रॉन उस पर +2 चार्ज। तो यहाँ पे जब आयंस के फॉर्म में आ जाता है तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है अब वो लिथियम का ही कम हो जाता है 0.76 एंगस्ट्रम और मैग्नीशियम का 0.72 एंगस्ट्रम। तो इसका रीजन जो आता है एक हम लोग टॉपिक आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसमें ये और भी चीजें क्लियर हो पाता, बस इसको अभी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसको नोट करके लिख लेना है। तो सिमिलर साइज ऑफ एटम्स का मतलब क्या, मैंने बताया था पहले ये इंक्रीज करता और ये डिक्रीज करता है इधर लेफ्ट टू राइट, तो जब डायगोनली जाएंगे तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स लिथियम मैग्नीशियम का साइज जो रहता है बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता वहां पे, वो एक ये रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का। सेकेंड पॉइंट है इसमें यहाँ पे है सिमिलर चार्ज टू रेडियस रेशियो, सिमिलर चार्ज टू रेडियस रेशियो, सिमिलर चार्ज टू रेडियस रेशियो, इस टाइप से तुम्हें यहाँ पे है याद रखना है। अब सिमिलर चार्ज टू रेडियस रेशियो का मतलब क्या है, ये भी हम लोग जब आगे पढ़ाएंगे कि सिमिलर चार्ज टू रेडियस रेशियो, देखिए इस पे चार्ज आ रहा है और साइज कैसे वेरी करता है जब लोग पढ़ेंगे वहां पे, ये चीज फिर से दोबारा आता है वहां पे। और एक लास्ट पॉइंट सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सर बहुत लेट आ रहा है, यस सर बहुत लेट। तो ठीक है बस ये तीन पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सिमिलरिटी इन क्या है, सिमिलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो ELECO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज होता है वो दोनों का सिमिलर होता है वहां पे। ये तीनों रीजन कुछ पॉइंट्स आगे का आ रहा है इसमें, इवन सारा पॉइंट्स से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइज कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। अभी बस तुम्हें इतना याद रखना है कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, यही तीन पेयर होता है। ओके सर, तो ठीक है इसको कॉपी करो, फिर वो नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डन सर। और आई थिंक सब तो ठीक है, प्रीव्यू टेबल तुम लोगों का सीट मिल गया होगा इसका, प्रीव्यू टेबल का। यस सर। तो ठीक है आई थिंक सर वन सेकंड, ठीक है इसको कॉपी कर लो, इसको मैं अभी इरेज नहीं कर रहा, इसमें मैं चेक कर लूँ इसमें होमवर्क क्या कर सकते हो तुम लोग अभी। खत्म हो गया नहीं, मतलब ये पार्ट एक पार्ट वाइज सेक्शन वाइज तुम्हारा होमवर्क आता है, अब इसमें एक दो सेक्शन कर पाओगे इसमें। तो
चलो सिर्फ एक सेक्शन कर सकते हो अभी तुम लोग इसमें, सेक्शन ही पार्ट वन पार्ट टू एक्सरसाइज वन का, एक्सरसाइज वन का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड भी ऐड कर दिया गया इसमें एक्सरसाइज वन में, जो कि तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप है इंटीजर टाइप का। तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एक्सरसाइज वन का सेक्शन ए कर सकता हो उसमें, लोग करके रखो, बाकी लोग एक दो सेक्शन पढ़ लेंगे तो फिर एक दो सेक्शन साथ में डिस्कस करेंगे। सर पार्ट टू का भी का? बिल्कुल, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एक्सरसाइज वन का सेक्शन ए। सर लास्ट स्लाइड प्लीज, एक मिनट, लास्ट स्लाइड नहीं, लास्ट स्लाइड इसमें भी कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे है। लास्ट स्लाइड क्या था तुम्हारा, इससे पहले जो था एटॉमिक नंबर वाला नेम वाला पार्ट, वो तुम्हें उसके लिए रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर देता हूँ, अगर एक दो मिनट का छूट गया है तुमको, डिस्कनेक्ट होने के कारण वो हट ही चुका है वहां पे। बिल्कुल, ओनली सेक्शन ए, एक्सरसाइज वन का तीनों पार्ट का सेक्शन ए। बिल्कुल, वो फंडामेंटल वाला जो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं वहां पे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके सर, तो ठीक है, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, तो ठीक है, कुछ लोगों का, एक दो लोगों का शायद वो छूट गया है स्लाइड का, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ अभी आधे घंटे में, तो देख लोगे वहाँ पर। और बाकी इससे पहले जितना भी रिकॉर्डिंग वो अपलोड कर दिया गया है वहाँ पर जाकर के देख सकते हो पीवी टेबल का। यस सर, ठीक है, फिर मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय।